जब कंस ने देखा कि उसके सबसे ताकतवर पहलवान कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए हैं, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका। बंद करो ये शोर शराबा, इन लड़कों को मथुरा से बाहर निकाल दो। वासुदेव, देवकी और मेरे पिता उग्रसेन को मार दो। धरती तुम्हारे पापों के बोझ को सहन कर रही थी। तुम बहुत ही घमंडी और दुष्ट हो। तुमने अपने ही पिता और छोटी बहन को जेल में डाल दिया। तुमने 7 बच्चों को पैदा होते ही मार दिया, ताकि तुम धरती पर और पाप करने के लिए जिंदा रह सको। जब से मैं पैदा हुआ, तुमने मुझे कई तरीकों से मारने की कोशिश की, और अब तुमने सोचा कि तुम मुझे यहाँ बुलाकर मार सकते हो, लेकिन तुम गलत थे। इस तरह से तो तुम्हारी मौत आनी ही थी। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसका मतलब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। और इस तरह से कंस का अंत हुआ। कृष्ण और बलराम वासुदेव और देवकी को आजाद कराने के लिए तुरंत जेल गए। वासुदेव और देवकी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, और जैसा कि आकाशवाणी हुई थी, कृष्ण आए और उन्होंने कंस को मार दिया और अच्छाई की फिर से जीत हो गई। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि आने वाले सालों में कृष्ण को धरती पर रहते हुए काफी कुछ करना था। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.